हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है डे 3 ऑफ 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज में। और गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं होटल सिम्युलेटर। ये है हमारा खतरनाक सा नया होटल जो कि मैंने अभी परचेज किया है। ये होटल कुछ 500 सालों से बंद था, तो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है और ये कोई भूतिया होटल से कम नहीं है। और सामने देख सकते हो हमारे होटल का बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन फॉरेस्ट। चलो फटाफट से अपने होटल के अंदर चलते और देखते हैं इसकी हालत कैसी रखी है। अभी तक मैंने खुद ने भी इस होटल को देखा नहीं है अंदर से। देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। और आते हैं यहाँ पर रिसेप्शन जो सारे होटल्स में होती है, और यहाँ पर घंटी भी है, इसको फटाफट से बजाते जाओ। चलो फटाफट से देखते हैं हमारे होटल में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले जाकर यहाँ पर ये सारे रूम लॉक्स हैं, इसके लिए हमें 2-स्टार लेवल चाहिए। इधर हम अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से रिसेप्शन के सीधा। इस रूम का नंबर है 109 और इधर है 108। ओके, अभी मेरे पास $10,000 है, तो इसको खोल देते हैं। और गाइजर $500 में हमने 108 रूम नंबर खोल दिया। इसको फटाफट से ओपन करते हैं, फर्निश्ड विद नेसेसरी आइटम। और गाइजर ये क्या रूम है? अब इससे बड़े तो टॉयलेट होते हैं, ये क्या है? इसका टॉयलेट देखते हैं। अब ये टॉयलेट और रूम का साइज बिल्कुल सेम क्यों है? कोई बात नहीं, जैसे जैसे हमारा होटल बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे हम पैसे कमाएंगे इसको अपग्रेड करते जाएंगे। पर अभी हमें इसमें थोड़ा फर्नीचर डालना है, क्योंकि पूरा का पूरा होटल एक भंगार की तरह पड़ा है। ना किसी में बेड है, ना बाथरूम में सामान है, तो सिर्फ कॉकरोच। और गाइस देखते फटाफट से अपने कंप्यूटर के अंदर जाएंगे शॉप एक्सप्रेस। और यहाँ पर आप देख सकते हो बेड हमें मिल रहे हैं $200 के, तो लेट्स गो, इसको मंगवा लेते हैं $200 का एक बेड। और जरूरी चीजें अभी मैं यहाँ पर मंगवाने वाला हूँ। ये सोफा वोफा की जरूरत हमें है नहीं। बाथरूम में जाएंगे, बजट शावर ले लेते हैं एक, और एक बजट सिंक भी जरूरी है और एक टॉयलेट भी जरूरी है। तो तीन यहाँ पे चीजें मैंने मंगवा ली। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें फैन ले ही लेते, फैन भी जरूरी है। और अभी पेंटिंग वेंटिंग कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी जो नॉर्मल चीजें ना वो सिर्फ वही लेंगे। लैंप एक ले लेते हैं $50 का। ड्रिंक्स व्रिंक्स भी अभी नहीं रखनी, वॉल कोटिंग अभी नहीं करनी, अभी ये सही रहेगा। $525 का हमने यहाँ पर सामान मंगवा दिया है। देखते हैं इसकी कितनी देर में डिलीवरी होने वाली है। और अभी आप देख तो बिल्कुल पूरा भूतिया होटल लग रहा है, सारे के सारे रूम बंद है। $500 का पर रूम अनलॉक होने वाला है। और बाहर आप देख सो ट्रक भी आ चुकी है। हमारा सबसे पहला पार्सल यहाँ पर आ चुका है, द ग्रीन फॉरेस्ट होटल। कितना बढ़िया इसका नाम है। आ जाओ अंकल, फटाफट से मुझे मेरा सामान दे दो, इसको यहाँ से उठा लेंगे। अंकल रुक जाओ। अरे अंकल कहाँ जा रहे हो, मेरा सामान दे दो। हेलो, ओ अच्छा, ये लगता है वहां पर जाकर रुकने वाला है, इसको आराम से रुकने दे, फालतू में चिल्ला रहा हूं मैं। और गाइस ये रुक चुका है, इसको करेंगे अनलोड। और चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। और आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर बेड बाथरूम का सारा सामान भी आ चुका है, इसको फटाफट से लेकर चलेंगे और उस रूम के अंदर लगा देंगे। हमारा सबसे पहला रूम 108। लेट्स गो, यहाँ पर सबसे पहले बेड लेंगे। इसको कहां पर लगाया जाए, कोने में या फिर बीच में? हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, ताकि हम यहाँ पर एक टेबल भी लगा सकते हैं। और देखते हैं हमारे पास क्या क्या। यहाँ पर एक फैन है, इसको फैन को यहाँ पर लगा देंगे। किसी को भी फैन से हवा लेनी हो ये यहाँ पे इसको लगा सकता है। आराम से फैन चलाओ और हवा लेते रहो। अब ये मेरे होटल में एसी वेसी तो है नहीं, इसको फटाफट से खोलते हैं बाथरूम को। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर अपना सिंक लगाने वाले, तो सिंक हम यहाँ पर कहाँ पर लगाए? बाहर निकलते यहाँ पर हाथ धोने होते, तो यहाँ पर अपना सिंक लगा देंगे। और यहाँ पर हम अपना टॉयलेट भी ले लेते हैं। और टॉयलेट कहाँ पर लगा जाए? टॉयलेट बीच में लगाते हैं, कैसा सा लगेगा बीच में आकर यहाँ पर टॉयलेट के लिए बैठो और हट जाए और एकदम से गेट खुल जाए, मजा आ जाएगा। और फटाफट से यहाँ पर अपने लिए शावर भी ले लेते हैं। शावर को कहाँ रखा जाए, इधर रख देते हैं। शावर यहाँ पर हो चुका है, तो आप देख सकते हो हमारा बाथरूम भी बिल्कुल सेट हो चुका है। कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर आराम से जाकर नहा सकते हैं डॉल्फिन के साथ। यहाँ पर अपन चलेंगे। और गाइजर अभी हमें चाहिए एक वॉशिंग मशीन, क्योंकि गाइजर इन जो बेड्स है इनको साफ रखने के लिए भी हमें चामन चाहिए होता है। तो वॉशिंग मशीन भी फटाफट से यहाँ पर ऑर्डर कर देते $200 की। और यहाँ पर एक वाईफाई का भी ऑप्शन है $50 का। चलो ठीक है, मंगवा लेंगे इसको भी। और भी चीजें देख रहे जो कि हमें मंगवानी, जब तक हमारा पार्सल आता है हमें अपने होटल में कलर भी करना पड़ेगा। और एक मिनी बार भी चाहिए होगा, अल्कोहल बॉक्स नहीं चाहिए, मिनी बार चाहिए। और आगे जा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर हम एयर कंडीशनर मंगवा सकते हैं, यानी एसी मंगवा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मंगवा सकते हैं। और अभी हमारा पार्सल यहाँ पर आ चुका है। और ये रेडियो यहाँ पर क्यों लगा है? और कैसे यहाँ से हमने अपना सामान ले लिया है, इसको फटाफट से बेसमेंट में लगाने वाले। और कैसे थोड़ी रात भी हो चुकी है, तो सोने का टाइम भी हमारा हो चुका है। पहले मुझे बेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, ये बेसमेंट कहाँ मिलने वाला है, बेसमेंट का रास्ता कहाँ से होगा। और कैसे मुझे नहीं पता था ये होटल इतना
कितना ज्यादा बड़ा है आप देख सकते हो, ये ऊपर की फ्लोर और यहाँ पर कितना सारा स्पेस है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं बेसमेंट में और ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर ये लॉन्ड्री वाली जगह है, यहाँ पर हमें अपनी रखनी होती है वॉशिंग मशीन, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर हम पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन से भर देंगे, पर अभी सोने का टाइम हो चुका है, फटाफट से अपने बेड पर जाके सो जाते हैं। ऐसा लग रहा है मैं जेल में सो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और आज हमारा डे टू इस होटल में। चलो फटाफट से चलते हैं अपने बेसमेंट से बाहर निकल लेते हैं, ऐसा लग रहा तो कोई भूतिया घर में सो रहा हूँ। इसको भी धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। और गाइस आप देख सकते हो सबसे पहली गाड़ी, सबसे पहला कस्टमर हमारे होटल में आने वाला है। आ जाओ अंकल, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, इनका हमको ढंग से स्वागत करना पड़ेगा। पधारो पधारो हमारे देश में, मेरा मतलब होटल में। मुझे लगता है हमें इनकी आरती करनी पड़ेगी। आइए पधारिए कस्टमर जी, एक बार उसको रुकने देते, पता चले भारी चला जाए। एक बार ये गाड़ी से उतर जाए और हमारे होटल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, फिर मैं इसकी आरती उतारूंगा। और यहाँ पर देखते हो साइड में एक बढ़िया सा पॉन्ड बना हुआ है, इसको मैं आगे चल के स्विमिंग पूल बना सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लगेगा। और ये कस्टमर आ गया, आइए पधारिए कस्टमर जी, आपका हमारे होटल में स्वागत है। ये स्वागत है, ग्रीन फॉरेस्ट होटल में आपका स्वागत है। आइए आइए आइए। चलो गाइस हमारा सबसे पहला कस्टमर आ चुका है। और गाइस ये तो अभी पहला कस्टमर है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है, हमें और भी रूम सबके चाहिए होंगे। और इस बोर्ड को कोई साफ करो यार, कितना गंदा लग रहा है। इस बोर्ड को भी बाद में साफ करेंगे, अभी कस्टमर यहाँ पर आ चुका है। मुझे लगता है दूसरा रूम ओपन करने का भी टाइम हो चुका है जो कि होने वाला है ये 109। लेट्स गो, ये ओपन हो चुका है। इन सब रूम का साइज बिल्कुल सेम क्यों है, चलो इसको छोड़ो अपन अभी फटाफट चलते क्योंकि कस्टमर यहाँ पर आ चुका है। हेलो अंकल। और गाइस सर अभी अंकल आ चुके हैं रूम के लिए, फटाफट से अपन जाएंगे लॉबी में। और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है तो इनको हम फटाफट से दे देते हैं चेक इन। लेट्स गो, हमने इसको चाबी दे दी और ये अंकल जा रहे हैं रूम में, चलो इनके पीछे भी चलते हैं। अंकल कुछ भी जरूरत हो तो बता देना चलो फटाफट से। ए क्या हो गया, रूम में तो जाने दे मुझे। ये अंकल तो बाहर जाते ही वापस आ गए, क्या चल रहा है, मैं इसको खोल भी नहीं सकता, इन्होंने गेट को लॉक ही कर दिया। तो आए क्यों थे अगर लॉक ही करना था तो। चलो इसको छोड़ो, अपन फटाफट से अपनी बाकी चीजें ऑर्डर कर लेते जो कि हमें चाहिए, जैसे कि शॉप एक्सप्रेस में जाएंगे, एक और बेड मंगवा लेते हैं, एक इकोनॉमी राउटर भी हमने ले लिया है। और हमें क्या क्या चाहिए, बजट शावर तो चाहिए, बजट सिंक भी चाहिए, एक टॉयलेट भी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एक बाथटब भी है, ये भी मंगवा लेते हैं। एक काम करते हैं शावर हटा देते हैं। और यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, बजट टीवी नहीं अभी चाहिए, पेंटिंग्स भी मेरे ख्याल से अभी काम की नहीं, पर फिर भी थोड़ी ये प्लांट व्लांट मंगवा लेते हैं, थोड़े बहुत सजाने के काम आ जाएंगे ये, इनको थोड़ा और मंगवा लेते हैं। यहाँ पर आते जाओ, लेट्स गो 685 और ले लो। और यहाँ पर एक स्मॉल मिनी बार भी मंगवा दिया जाए, फटाफट से इसको भी करते हैं ऑर्डर। $975 का हो चुका है ऑर्डर, डन। तो अभी हमने $1,000 का लगभग सामान यहाँ पर मंगवा दिया। वो अंकल तो पता नहीं कहाँ छोड़ के जा चुके हैं, रूम की चाबी ली, लॉक किया और अपनी गाड़ी को इधर खड़े करके पता नहीं कहाँ जा चुके। पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपना पैसे मिल चुके हैं, मैंने अंकल को जाना है जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और हमारी यहाँ पर अपनी गाड़ी भी आ चुकी है, बहुत सारा सामान अभी हमने मंगवाया अपने ग्रीन फॉरेस्ट होटल के लिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस जब तक ये सामान डिलीवर होता है फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये अंकल वापस आ चुके हैं, हेलो अंकल। अपन चलते फटाफट से अपनी डिलीवरी ले लेते हैं, अंकल जा रहे अपने रूम में, मुझे इनके साथ इनके रूम में जाने पर ये आने नहीं दे रहे, देखो तो सर ये रूम में करता क्या है। चलो फटाफट से चलते अंदर और अपना सामान सारा रख देते हैं। और आप देख सकते हो अंकल फिर से रूम में चले गए, अंकल गेट खोलना भागो, अभी वो बाहर आके देखेगा। अपन फटाफट से यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। एक सेकंड, बेड कहाँ पे, ये रहा, मुझे लगा बेड ही नहीं आया। अभी यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही बेड लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा अलग कर देंगे, एक काम करते हैं इसको भी बीच में लगाते हैं, बीच में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखते हैं हमारे पास राउटर है, राउटर कहाँ लगाया जाए, हर एक रूम में उनका अलग अलग राउटर लगने वाला है, मुझे लगा एक ही राउटर बहुत होगा। चलो ठीक है, इनको राउटर भी यहाँ पर दे देते हैं। और यहाँ पर हमें चाहिए लैंप तो नहीं चाहिए, बाथटब, जी हाँ बाथटब मुझे चाहिए, उससे पहले हमें बाथरूम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर लेंगे बाथटब और इस बाथटब को यहाँ पर लगा दे, कितना बढ़िया लग रहा है, इतने सस्ते होटल में इतना बढ़िया बाथटब मैं इनको दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक ये टॉयलेट भी लगा देते, टॉयलेट इस बार बिल्कुल ढंग से लगाएंगे, टॉयलेट करो बाथटब में कूद जाओ, बाथटब में जाओ टॉयलेट में कूद जाओ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। थोड़ा सिंक भी इनको दे दिया जाए, यहाँ पर प्लेस कर देते फटाफट से सिंक, इनका सिंक यहाँ पर ही लगा देंगे। और लगता है अभी यहाँ पर रात हो चुकी है, मेरे सोने का टाइम हो चुका है, पर ये बाकी चीजें मैं कंप्लीट करके जाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर ये मिनी बार लगने वाला है, मिनी बार जस्ट बेड के पास लगा दे ताकि ये बहुत सारा पैसा खरीदता जाए। एक सेकंड, मुझे लगता है इसमें ड्रिंक्स भी मंगवानी पड़ेगी, मेरे पास ड्रिंक्स तो है ही नहीं, चलो ड्रिंक्स तो हम बाद में ला देंगे, अभी मेरे पास प्लांट थोड़े बच चुके हैं, तो प्लांट को कहाँ लगाया जाए, ये भी रूम में लगेंगे क्या, प्लांट्स भी यहाँ पर रूम में ही लगने वाले हैं, रूम में कौन प्लांट्स लगाता है। चलो ठीक है, यहाँ पर एंट्री पे थोड़े से लगा देता हूँ, और तो क्या ही कर सकते हैं, अभी इन दो को रहने देते हैं।
अगली बार से प्लांट्स नहीं मंगवाऊंगा, सारी की सारी चीजें रूम के लिए, और मेरा बंदा बहुत ही तेज नींद में, चलो इसको फटाफट से सुला देते हैं। आज हमने बहुत सारा काम कर दिया, अपना दूसरा रूम भी लगभग यहाँ पर रेडी है, अभी फटाफट से सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और आप देख सकते हो अभी सुबह यहाँ पर हो चुके हैं, सुबह की 8 बज रही है और हम फिर से उठ चुके अपने खतरनाक से होटल के लिए। कल हमने अपना पूरा का पूरा 109 रूम भी रेडी यहाँ पर कर दिया था, आप देख सकते हो बेड यहाँ पर लग चुका है, हर चीज यहाँ पर लग चुकी है। मिनी बार के लिए हमें थोड़ी ड्रिंक्स विंक्स भी चाहिए, तो वो भी हमें मंगवा लेंगे, और थोड़े बहुत मिनी बार भी और मंगवा लेंगे, क्योंकि हमें जो उस वाले रूम के लिए भी तो चाहिए। शॉप एक्सप्रेस में जाएंगे फटाफट से, यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 बेड, टेबल और बाथरूम में जाकर हम ले लेंगे, ऐसा कुछ खास हमें चाहिए नहीं। एक राउटर भी ले लेंगे वाईफाई का, और 2 बजट टीवी भी ले लेते हैं, बजट टीवी भी तो लगाना जरूरी है। और हमें क्या चाहिए, लाइट अभी नहीं चाहिए, ड्रिंक्स के लिए हमें अल्कोहल बॉक्स है कि 4 बॉक्स मैंने यहाँ पर मंगवा लिए, ऑर्डर डन। और गाइस आप देख सकते हो हमारा दूसरा कस्टमर भी आ चुका है, जैसे हमारा दूसरा रूम खुला हमारा दूसरा कस्टमर भी यहाँ पर आ चुका है, और वो पहला कस्टमर रूम कब छोड़ के जाएगा, और चाचा सो गए के अंदर ही बाहर निकलो, तुम्हारा टाइम हो चुका है ऐसे जाने का। और हमारा दूसरा कस्टमर भी यहाँ पर आ रहा है, उनकी भी आरती उतारेंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा सामान अपना उठा लेते हैं, अंकल जब तक आएंगे हमारा सारा काम हो जाएगा। फटाफट से चलेंगे यहाँ पर अंदर, और आप देख सकते हो हमारे पास कौन कौन सी चीज आ चुकी है, राउटर आ चुका है, टीवी आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया जो की है। फटाफट से जाएंगे रूम के अंदर, उससे पहले कि अंकल यहाँ पर आए मैं इनकी टेबल वेबल यहाँ पर लगा देता हूँ, ये तो अल्कोहल बॉक्स है, यहाँ पर हमने फटाफट से टेबल लगा दी क्योंकि वो कस्टमर चेकआउट कर रहा है, तो हमें उसका थोड़ा सा रिव्यूज लेने, चलो फटाफट से चलते हैं। हेलो अंकल कैसे हो, यहाँ पर हम जाएंगे लॉबी में और इन अंकल को हमें चेक इन करवाना है। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने जा सकते हो रूम के अंदर, मैंने वो टेबल अभी भी जस्ट लगाई थी पर कोई मत थी। अरे ये क्या कर दिया, अबे इसकी ऐसी पूरा का पूरा रूम खराब करके चला गया मेरा, अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो मुझे ही करना पड़ेगा, अपने रूम को भी साफ करना पड़ेगा। चलो फटाफट से इसको साफ कर लेते हैं, ये हो गया, अब कचरा भी उठा लेंगे यहाँ पर, ये कास इतना सारा कचरा ये लाया कहाँ से, पक्का बाहर से कहीं से लाया होगा। यहाँ से अपना डर्टी ब्लैंकेट यहाँ से उठा लेंगे और इसको वॉशिंग मशीन में जाके हमें धोना पड़ेगा। ये होटल मेरा है, मैं यहाँ का सफाई कर्मचारी भी हूँ, रिसेप्शनिस्ट भी हूँ, पार्किंग वाला भी हूँ, और हर चीज मैं ही हूँ यहाँ पर, हर चीज मैं ही करता हूँ। अभी फटाफट से यहाँ पर जाएंगे, इसको इसके अंदर 30 सेकंड का टाइमर यहाँ पर लग चुका है, मेरे पास एक और वॉशिंग मशीन है कि नहीं, 30 सेकंड बाद हम यहाँ पर वापस से आएंगे उस ब्लैंकेट को यहाँ से उठाने के लिए। अभी फटाफट से अंदर चलते हैं और यहाँ पर जितना सामान है वो यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डेस्क है इसको यहाँ पर उठा कर रख दिया जाए, और इस टेबल को, और इस टेबल के ऊपर हम रखेंगे अपनी एक टीवी भी, लेट्स गो, यहाँ पर टीवी भी हमने रख दिया, और बाहर लगता है कस्टमर आ चुका है, इसको बंद कर दे फटाफट से, लेट्स गो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर कस्टमर आ चुका है, हेलो आंटी कैसे हो, चलो इनको फटाफट से चेक इन करवाते हैं। एक सेकंड, 108 तो अभी भी क्लीन करना बाकी है, इनको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी आंटी अभी क्लीन हो रहा है यार, अभी मैं फटाफट से जाके वो बेडशीट उठा के लेके आता हूँ, वरना और कस्टमर आएंगे तो उनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। फटाफट से यहाँ पर जाएंगे बेडशीट उठाएंगे, तभी तो मुझे और भी वॉशिंग मशीन चाहिए और थोड़े काम करने वाले भी, ताकि मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर सकूं। यहाँ पर अपन फटाफट चलेंगे, पुट क्लीन, बेडशीट यहाँ पर हो चुकी है डन, टीवी हमारा यहाँ पर लग चुका है, देखते हैं और क्या है हमारे पास, राउटर, राउटर भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ये लोकल राउटर भी ले लो। और यहाँ पर हमारे पास और क्या है, मिनी बार मेरे मंगवाना भूल गया, मैंने ड्रिंक्स मंगवा दी पर मिनी बार नहीं मंगवाया। तो अपन फटाफट से जाएंगे अपने शॉप एक्सप्रेस पे, और मुझे चाहिए एक बेड, एक बजट बेड टेबल अभी नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस अभी अपना अगला रूम भी तो मैं खोलने वाला हूँ। यहाँ पर जाएंगे बजट बाथ ले लेंगे, एक सिंक भी ले लेंगे, एक टॉयलेट भी ले लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे चाहिए एक वॉशिंग मशीन, एक इकोनॉमी राउटर, एक टीवी, और हमें क्या चाहिए, प्लांट्स नहीं चाहिए, ड्रिंक्स में हमें चाहिए स्मॉल मिनी बार, वो भी 2, और मेरे ख्याल से इतना बहुत रहेगा, इनको फटाफट से कर दे ऑर्डर। और गाइस सामने से एक और गाड़ी आते हुए मुझे दिखने लग चुकी है, और अभी हम जाएंगे देखेंगे, हमारा रूम तो बिल्कुल रेडी है ना, बिल्कुल रेडी है हमारा रूम 108। अभी हम जाके अपना अगला रूम भी ओपन कर देते हैं, जो कि होने वाला है 106, लेट्स गो, ये भी ओपन हो चुका है, और 107, एक ही बारी में दोनों रूम हमने ओपन कर दिए। अब मैं फटाफट से इनको सेटअप कर लेता हूँ। तो कैसर अब यहाँ पर एक और कस्टमर, एक सेकंड, नंगा क्यों है, ओ अंकल नंगे क्यों, आपका कपड़े किधर है, चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या जाता है। फटाफट से लॉबी में जाएंगे, $40 पर नाइट अब हमारा रूम का रेट यहाँ पर मैंने कर दिया, क्योंकि उनको लेवल 2 पर अपग्रेड कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं इधर से क्या कर रहा था। अभी फटाफट से इधर जाएंगे और इधर से ये ब्लैंकेट उठा लेंगे, ड्रिंक्स यहाँ पर फिल कर देंगे, कचरा
बच रहा तो यहाँ पर बिल्कुल है नहीं। अब इस रूम में थोड़ा टीवी भी लगा दिया जाए, जैसे कि टीवी तो यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, राउटर हमने यहाँ पर नहीं लगाया ना, यहाँ पर राउटर लगा देते हैं। जितनी ज्यादा हम चीजें लगाते हैं ना उतना ज्यादा इस रूम का पैसा बढ़ता जाएगा। अब फटाफट से कचरा लेकर यहाँ से चलते हैं बाहर। और डस्टबिन किधर है? पूरा डस्टबिन और हमारी डिलीवरी भी यहाँ पर अभी आ चुकी है, इसको यहाँ पर ही फेंक देते हैं और डिलीवरी लेकर चलते हैं। मैंने अपने होटल के लिए खतरनाक लाइट्स मंगवाई है, क्योंकि सारे कस्टमर कंप्लेन कर रहे थे थोड़ी लाइटिंग के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बढ़िया सी लाइट यहाँ पर मंगवा ली है। इनको लगाएंगे अपन रूम के अंदर। अभी तो सिर्फ एक ही रूम खाली है, तो एक ही में लगा पाएंगे, जैसे जैसे बाकी रूम भी खाली होते जाएंगे सब में लगा दूंगा। अभी इसको फटाफट से यहाँ पर लगा देता हूँ। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है ये खतरनाक सी लाइट। और गाइस ये रूम बिल्कुल ढंग से फिनिश हो चुका है। अभी फटाफट से अपना एक और कस्टमर आ रहा था ना, और आप देख सकते हो ये लड़का, ये पता नहीं क्यों ये नंगा घूम रहा है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। चलो फटाफट से अपन रिसेप्शन पे खड़े हो जाते हैं। हेलो अंकल, कैसे हो? आपको चाहिए रूम? जी हाँ, अभी लो। ओ ये क्या, सारे के सारे रूम भरे हुए? या तो सारे के सारे रूम भरे हुए या तो गंदे, मुझे इनको साफ करना पड़ेगा, मैं इनके बेडशीट लगाना तो भूल ही गया। अरे अंकल दो मिनट रुक जाओ, फटाफट से चलते हैं नीचे। यहाँ पर हमें चाहिए होगी बेडशीट, कि मैंने उसको धोने पर भी नहीं लगाया। अभी मुझे यहाँ पर 25 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो मेरी 11 रेटिंग्स यहाँ पर हो चुकी है, 100 रेटिंग्स मैं अपनी करनी है, पर अभी इसके लिए वेट करना पड़ेगा 15 सेकंड्स। जब तक आप जाके फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे लगता है आज के लिए बस बहुत इतना होगा। अभी आखिरी कस्टमर से इनको इनका सब कर देते हैं, इनको चेक इन वेक इन करवा देते हैं, फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी फटाफट से चलेंगे और पहले जाकर उस रूम में इनकी बेडशीट लगा देते। कौन सा रूम था, ये वाला था क्या? ये वाले रूम में फटाफट से बेडशीट लगा देंगे और हम इन अंकल को इसी रूम में भेज देंगे। हेलो अंकल, सॉरी अंकल थोड़ा वेट करवाने के लिए, इनको यहाँ पर हम भेजेंगे 106 में। एक सेकंड, यहाँ पर ही अभी भी गंदा क्यों दिखा रहा है? कोई बात नहीं अंकल, अब चल जाओ, मैं नहीं साफ कर रहा उसको। अरे अब आपको क्या चाहिए, इतने सारे कस्टमर कहाँ से आते जा रहे हैं? इसमें फटाफट से चलेंगे। अब अगर मैंने उनको यहाँ पर भेज दिया तो गंदी रेटिंग मुझे मिलने वाली है, तो इसलिए मैं चाहता नहीं उनको इधर भेजना। फटाफट से यहाँ पर भी सारा का सारा कचरा उठा लेंगे। उनको एक काम करता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। इतने सारे कस्टमर आज आ चुके हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, इनको फटाफट से हम जाएंगे रिजेक्ट कर देंगे। सॉरी अंकल कुछ नहीं है मेरे पास। तो गाइस सर आज हमने इतने सारे रूम यहाँ पर खोल लिए, 108, 109, 107 और 106। और गाइस इन रूम्स के अंदर आप देख सकते हो हमने कितनी चीजें यहाँ पर लगा दी है। पहले इनको साफ भी कर देते हैं। बेड यहाँ पर लग चुका है, मिनी बार यहाँ पर लग चुका है, टीवी यहाँ पर लग चुका है, और मुझे यहाँ पर नींद फिर से आने लग गई है। फटाफट से इसको साफ करेंगे और अपन जाकर सो जाएंगे। चलो फटाफट से गेट को देते, कुछ नहीं ना। और ये रूम पूरा का पूरा साफ हो चुका है, मेरे पास एक लैंप पड़ा है, तो यहाँ पर अपना लैंप भी लगा देंगे। डन, लेट्स गो। अभी यहाँ पूरा का पूरा रूम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर प्लांट व्लांट लगाने का भी सोच रहा हूँ। अगर मुझे इस रूम का प्राइस बढ़ाना तो और भी प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। तो सारे के सारे कस्टमर अपने रूम्स में आराम से सो रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ सोने। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। ये तो हमारा डे 3 ऑफ 30 डेज 30 गेम्स चैलेंज का होटल सिमुलेटर था, बहुत ही बढ़िया। अगला गेम हम कौन सा खेले फटाफट से कमेंट करके बता देना, और मैं जा रहा हूँ सोने। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।